नहीं तो मां सेवादार खड़े पीछे पिघलाएंगे आपको। बोल जय बाबा बर्फानी, भूखे कवन प्यासे को पानी। सो गाइस आ चुकी है हमारी ट्रेन मालवा एक्सप्रेस। बाद आपको ये RFID कार्ड मिल जाएगा। जिस जम्मू तवी स्टेशन पे बाहर निकलने के बाद इतनी धूप लग रही है, आप मेरे फेस देख सकते हैं कैसा पसीने में हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी का यहाँ पर। तो ये लंगर मिला है मुझे, तो चलिए करते हैं लंगर ग्रैंड। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों सबसे पहले लगाएंगे हम जयकारा, बोल जय बाबा बर्फानी, भूखे कवन प्यासे को पानी। दोस्तों मैं जा रहा हूँ श्री अमरनाथ बाबा बर्फानी जी की यात्रा पे। गाइस मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस यात्रा को लेके, क्योंकि मैं बहुत सालों से प्लान बना रहा था, मेरा किसी न किसी रीज़न से मेरा प्लान कैंसिल हो जाता था, बट इस बार मेरा मेडिकल भी हो गया अच्छे से और यात्रा पर्ची भी हो गई, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको हर एक छोटी से बड़ी सारी चीज़ नोटिस कराऊंगा। वैसे तो मैं ही पहली बार जा रहा हूँ, बट मेरे साथ जो भी होगा मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा कि कहाँ आपको स्टे करना है, कहाँ से आपको कन्वेंस लेना है, लंगर की क्या व्यवस्था होगी, और दोस्तों सबसे मेन बात कि खर्चा कितना आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो नहीं भी जा रहे ये वीडियो उनके लिए भी स्पेशल है, क्योंकि मैं उनको बाबा बर्फानी जी के वर्चुअली दर्शन भी करवाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं, मेरे साथ बोलिए, और आप देख रहे हैं SBT's स्टोरीज। सो दोस्तों मैं हूं अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। गाइस मुझे यहां से पहुंचना सबसे पहले जम्मू तवी स्टेशन। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा पर तो आपको जम्मू तवी स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद आपको अमरनाथ के लिए कन्वेंस मिल जाएगा, वो मैं आपको वहीं पर पहुंच के बताऊंगा स्टेशन पर। सो दोस्तों आज जिस ट्रेन में हमारी जर्नी होने वाली है उसका नंबर है 12919 मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये चलती है नई दिल्ली से सुबह 4:15 पर और दिन में उतारती है 2:10 पर। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अमरनाथ जाने के दो रास्ते हैं, एक है पहलगाम जो है 36 किलोमीटर का, 36 किलोमीटर का, उसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं नॉर्मली, और एक है बालटाल का रास्ता जो है 14 किलोमीटर का, अगर आप फिट हैं तो आप एक दिन में अप डाउन कर सकते हैं। जो आज की जो मेरी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है पहलगाम मार्ग से, क्योंकि पहलगाम मार्ग पे आपको सारे मेन जो पॉइंट है वो देखने को मिलेंगे, जैसे पिस्सू टॉप, शेषनाग झील और पंचतरणी। तो ये पौराणिक रास्ता है दोस्तों पहलगाम का, तो मैं इससे जाऊँगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मैं सारी जगह घूम के आऊँगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। सो गाइस आ चुकी है हमारी ट्रेन मालवा एक्सप्रेस। ये देखिए पावरफुल इंजन बैक 7। हमारा कोच दोस्तों बिल्कुल लास्ट में है, S6। देखते हैं कहां पर आता है। तो दोस्तों हो चुकी है हमारी ट्रेन डिपार्चर, हो चुका है हमारा यहाँ से सफर स्टार्ट, तो बहुत मजा आने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग के अंदर दूंगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं फिर यहाँ से अपने सफर की स्टार्ट। सो दोस्तों इस ट्रेन का पहला हॉल्ट सोनीपत जंक्शन, यहाँ पर थोड़ा लेट हो गई दोस्तों, ये ट्रेन यहाँ पर 55 मिनट लेट हो चुकी है। ये देखिए
चलिए हॉर्न बज चुका है, अब बैठते हैं ट्रेन में। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं करनाल स्टेशन, देखिए ये रही हमारी ट्रेन। सो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है खटवा स्टेशन पे। दोस्तों अभी तक की जो ट्रेन की जर्नी रही हमारी बहुत ख़तरनाक रही, बहुत मज़ा आया। अब खटवा स्टेशन आ गया, अब नेक्स्ट स्टेशन हमारा जम्मू तवी है, यहाँ से बस 87 किलोमीटर दूर है, तो हमारे को बस एक घंटा और लगेगा, हम जम्मू तवी पहुँच जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मेरे को टिकट ये पड़ी कितने की। दोस्तों ये मैं कर रहा हूँ स्लीपर कोच में सफ़र और मुझे एक टिकट पड़ी है 365 रुपीज़ की, तो आप इसमें भी आ सकते हैं। और जनरल भी है, जनरल के प्राइस है 215 रुपये। दोस्तों आ चुके हैं हम जम्मू तवी स्टेशन पर, तो हम आ चुके हैं जम्मू तवी स्टेशन और यहाँ हमारी ट्रेन जो है 50 मिनट लेट हो गई। इसके आगे का जो प्रोसीजर है दोस्तों वो मैं आपको यहाँ से बाहर निकल के बताऊंगा, तो चलिए अब यहाँ से एग्जिट करते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और यात्रा परमिट बहुत ज़रूरी है, तो आपको वो सामने स्टेशन है, उस सामने स्टेशन से बाहर आएंगे आपको यहाँ मिल जाएगा अमरनाथ का ऑफिस। यहाँ पर आके आपने जो अपने घर से वो करवा रखा है, क्या कहते हैं, मेडिकल करवा रखा है और यात्रा परमिट जो करवा रखी है, ये देखिए ये मेरा है यात्रा परमिट और ये है मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपके अंदर वेरीफाई होंगे और वेरीफाई होने के बाद आपको ये RFID कार्ड मिल जाएगा जिससे आप अमरनाथ यात्रा अपने यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपकी जो सिम होगी वो तो यहाँ पर वर्क होगी नहीं, तो आपको यहाँ से सिम लेनी पड़ेगी। अगर आप 4-5 बंदों का भी ग्रुप है तो आप कम से कम एक सिम तो ले लीजिए। ये सामने मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये यहाँ पर आपको सिम मिल जाएगी जियो की और एयरटेल की। कोशिश करना कि आप जियो की सिम लेना कि जो आपको नेटवर्क भी अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो होली केव है, जो गुफा है अमरनाथ, श्री अमरनाथ जी की जो गुफा है, वहाँ पर जियो के नेटवर्क बहुत अच्छे आते हैं, तो वहाँ पर वीडियो कॉल वगैरह भी कर सकते हैं आप अपने घर वालों को और आप अपने घर वाले से बात भी कर सकते हैं। तो आप अगर सिम लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये बिल्कुल ये सामने पीछे आपको दिख रहा होगा ये सेंटर है, क्या नाम है, अमरनाथ का जो ऑफिस बना हुआ जहाँ वो वेरीफाई होते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट में ही आपको मिल जाएंगी दुकानें, आप यहाँ से सिम वगैरह भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सिम के प्राइस बता दूँ, अगर आप जियो की सिम ले रहे हैं तो आपको 300 रुपये की पड़ेगी, उसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS डेली के और आपको 2 GB पर डे उसमें मिलने वाले हैं। 300 रुपये में आप जियो की सिम ले सकते हैं। जम्मू तवी स्टेशन पर बाहर निकलने के बाद इतनी धूप लग रही है, आप मेरे फेस देख सकते हैं कैसा पसीने में हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी का है यहाँ पर। अच्छा है अगर ऐसी धूप रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं तो चाहता हूँ ऐसी धूप रहे क्योंकि मेरी यात्रा सफल हो जाएगी फिर। दोस्तों जम्मू स्टेशन उतरने के बाद सबसे पहले अपना RFID कार्ड ले,
RFID कार्ड लेने के बाद आपको यहाँ से भगवती नगर जाना है। भगवती नगर श्री अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। वहाँ से डेली सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए, अमरनाथ जाने के लिए कॉन्वॉय निकलता है, तो जितने भी यात्री होते हैं सबको वहाँ पहुँचना जरूरी होता है। तो दोस्तों आपको भी यहाँ से कन्वेंस मिल जाएगा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये ऑटो वगैरह खड़े हैं, आप ऑटो से जा सकते हैं। और आप मेरे पीछे ये बस देख रहे होंगे, ये बस मैंने ली है, और ये बस पर पर्सन 30 रुपये लेगी। यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर है और आपको भगवती नगर छोड़ देगी। तो चलिए अब आपको आगे भगवती नगर में मिलता हूँ। तो ये है बस का अंदर से इंटीरियर, देख लीजिए। ये बस जाती है, पर पर्सन 30 रुपये लेती है और आपको भगवती नगर पहुँचा देगी। दोस्तों हम भगवती नगर पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पर जितनी सवारी होती है सबकी चेकिंग होगी। तो अपने आप यात्रा पर्ची निकाल के अपने हाथ में रखे, वहाँ यात्रा पर चेक होगी, फिर आपको अंदर जाना दिया जाएगा भगवती नगर के अंदर। दोस्तों भगवती नगर बेस कैंप में एंट्री करने के बाद आपकी सामान की चेकिंग यहाँ पर होगी। आप सामने देख रहे हैं, यहाँ चेकिंग होने के बाद फिर आपको बेस कैंप के अंदर जाने दिया जाएगा। तो पहलगाम और बालटाल के लिए आके आपकी जहाँ की भी यात्रा परमिट होगा तो आपको वहाँ के लिए बस लेनी पड़ेगी। और आप जो सामने दिख रहे हैं ये है यहाँ का बस बुकिंग काउंटर, तो आप यहाँ से अपनी बस की बुकिंग करवा सकते हैं। और दोस्तों इसकी टाइमिंग जो है वो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, लेडीज़ और जेंट्स की दोनों की अलग अलग लाइन लगती है। दोस्तों ये है बस के टिकट प्राइस, जम्मू टू पहलगाम, जम्मू टू बालटाल, ये देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू टू बालटाल के दोस्तों AC बस के हैं 1270 रुपये, सुपर डीलक्स नॉन AC के है 818 रुपये, और सेमी डीलक्स के है 653 रुपये। और जम्मू टू पहलगाम के है दोस्तों AC मिनी बस 19 सीटर, मतलब कि ये पर्सन हो जाएगी आपकी, और पर पर्सन 840 रुपये आएंगे, और उसमें आपको 19 बंदे आप बैठ सकते हैं एक बस मिनी बस में। और दोस्तों AC बस के आपके लगेंगे 840 रुपये वही, और सुपर डीलक्स नॉन AC के आपको लगेंगे 553, ये वाली दोस्तों मैंने करी है, और सेमी डीलक्स के लगेंगे आपको 404 रुपये। तो आपको जो ठीक लगती है आप उसमें चले जाइए, वैसे तो दोस्तों AC की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये खाने पीने का सामान मिल जाएगा, बट ये पेड़ है इसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। लंगर भी है, आप लंगर में भी खाइए, और आप अगर यहाँ मन करता तो यहाँ भी खा लीजिए। मैं आपको यहाँ का मेन्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इसका मेन्यू। आलू टिक्की 50 रुपये, दही बल्ले, राजमा चावल, टी, नूडल्स, वाटर बॉटल, फ्रेश लेमन सोडा, मसाला डोसा, पकौड़ा, पाव भाजी, कुल्फी, आपको यहाँ सब मिल जाएगी, आप यहाँ पर खा सकते हैं। सो दोस्तों ये यहाँ का लॉकर रूम है, आप अपना एक्स्ट्रा सामान यहाँ जमा करा सकते हैं, और पर बैग के यहाँ पर 20 रुपये लेते हैं। ये लंगर हॉल के बिल्कुल साथ में ही है, आप अपना सामान यहाँ जमा करवा के आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। भाई जी देखिए आपको यहाँ पर गद्दा मिल जाएगा, गद्दा, एक तकिया और एक चादर, ये आपसे 120 रुपये चार्ज करेंगे और 100 रुपये आपको रिफंड कर देंगे बाद में जब आप गद्दा इनको वापस देंगे। तो मतलब कि आपको 20 रुपये का ही रेंट पड़ेगा। ये देखिए ये है यहाँ पर अंदर जी। देखिए गाइस आपको यहाँ पर चांदी पॉइंट मिल जाएंगे, ये देखिए कितने सारे होल्डर्स लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर चार्जिंग कर रहे हैं, और आगे भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए एक गिरा चार्जिंग पॉइंट, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पर है, एक आगे है, दो तीन आगे और है। और ये वॉशरूम है, इसमें नहाने की व्यवस्था भी है, ये आपका मेल वॉशरूम है और इस तरफ आपका फीमेल वॉशरूम है। और आप जो अंदर देख रहे हैं ये AC हॉल है, मैं आपको अभी अंदर जाके दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये है यहाँ का AC हॉल, पूरा फुल हो चुका दोस्तों ये AC हॉल। ये देखिए दोस्तों AC हॉल और नॉन AC हॉल दोनों फुल हो चुके हैं, तो लोग ऐसे बाहर सो रहे हैं। ये देखिए जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ पर ना बिस्तर करके सो रहा है। और AC हॉल के चार्जेस आपको बता दूँ मैं, पर पर्सन 50 रुपये, और आपको गद्दा चाहिए तो वही आप 120 रुपये गद्दा ले सकते हैं, जिसमें से कि आपको 100 रुपये रिफंडेबल होंगे जब आप गद्दा वापस करेंगे। देखिए दोस्तों लोग कैसे बाहर लेटे हुए हैं, जिसको जहाँ जगह मिली हुई है वो वहाँ लेटा हुआ है। दोस्तों बहुत रश हो गया है जब से अमरनाथ यात्रा खुली है, एक बार बंद हो गई थी। ये आपका
जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर गद्दा वगैरह मिल जाएगा। देखिए कैसे लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं। तो ये भगवती नगर के अंदर जो बेस कैम्प है उसका लंगर हॉल है, एक यहाँ पर है और एक इसके उस तरफ है। यहाँ पर मिल रहे दोस्तों चावल और राजमा, राजमा चावल आपको यहाँ मिल जाते हैं। देखिए दाल है, राजमा चावल है और ये आपके चावल मिल जाते हैं। ये सारे लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा लंगर दिखाता हूँ। एक ये वाला लंगर हॉल है, इसके लिए लाइन लगी हुई देखिए। और ये दोस्तों ये अपना सुभाष नगर, दिल्ली सुभाष नगर वालों का लंगर है। देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3। 27 सालों से यहाँ पर ये लंगर चला रहे हैं। तो ये दूसरा लंगर हॉल है। जय बोले। ये सुभाष नगर लंगर दोस्त देखिए, इसमें आपको राइस मिल जाते हैं और ये आपको राजमा और दाल मिल जाती है। जय बोले अंकल जी। ये देखिए ये आपको मिक्स वेज मिल जाती है, आपको एक रोटी मिल जाती है और ये एक स्वीट्स, शायद ये पतीसा है या बर्फी है। तो ये लंगर मिला है मुझे, तो चलिए करते हैं लंगर ग्रैंड। दोस्तों लंगर खाने के बाद आप अपने यहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं कि देखिए सबने दिया। आपका जैसा भी फीडबैक हो, अच्छा बुरा, आप यहाँ पर ज़रूर दें, क्योंकि जो यहाँ पर लंगर चला रहे हैं उनको भी पता लगे कि उनका जो लंगर है उनके लोगों को पसंद आ रहा है या लोगों के कुछ कमी दिख रही है। तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, लंगर बहुत अच्छा था। दोस्तों आपको भगवती नगर में ये लंगर मिल जाएंगे। ये देखिए एक वो है सामने, एक ये है और एक ये है, वो पीछे है, वहाँ पर है। लंगर बहुत सारे हैं, जहाँ आपका मन करे वहाँ आप लंगर खाइए। और लंगर में दो सब्जी चावल रोटी आपको हर जगह मिलेगी। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ मिल रहा है डोसा, ये लंगर का डोसा दोस्त देखे, खीर है लंगर में, आपको डोसा मिल जाएगा। और देखिए ये चावल आपको मिल जाते हैं और देखिए चावल है, खीर आपको मिल जाती है, सीताफल की सब्जी मिल जाती है आपको और आपको रोटी मिल जाती है यहाँ पर। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ और क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी लंगर मिल रहा है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। ये यहाँ पर आपको हलवा मिल जाता है और ये आपको आलू की सब्जी मिल जाती है और ये कड़ी मिल जाती है, चावल मिल जाते हैं आपको और रोटी। ये देखिए आपको दिखाता हूँ दूसरे लंगर में। भाई यहाँ बहुत सारे लंगर हैं, भगवती नगर जो मेन कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर भी है और उसके बाहर भी है। ये बाहर के लंगर है, देखिए कड़ी चावल मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। ये देखिए चावल मिल जाते हैं आपको और दिखाता हूँ आपको वह लंगर यहाँ का। ये देखिए ये सामने कर लीजिए दर्शन, ये सारी लंगर की व्यवस्था। ये देखिए ये आपको पूरी चीज़ें मिल जाती है, छोले की सब्जी, मटर की सब्जी, चावल, यहाँ आपको सब आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ आपका मन कर सकता है, जहाँ आपका मन करे आप वहाँ पे खाइए। सो दोस्तों सामने है भगवती नगर बेस कैंप। आप बेस कैंप से बाहर निकल के आएंगे इस एरिया में, तो आपने जोन सी भी बस की टिकट बुक करी आपको सारी बस यहाँ पर खड़ी हुई मिलेगी। चाहे आपने 404 रुपये वाली करी हो, चाहे आपने 553 रुपये वाली करी हो, चाहे आपने एसी वाली करी हो, तो सारी आपको बस यहाँ पर खड़ी हुई मिलेंगी। जो मैंने बस बुक करी है वो है 553 वाली, मैं उसकी आपको सीट्स दिखा देता हूँ देखिए। और आपको बस के बाहर ऐसे नंबर लिखे हुए मिल जाएंगे जो आपकी टिकट पर नंबर लिखा होगा, जैसे हमारा है P39, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है P22, ये आपकी टिकट पर नंबर लिखा होगा। आपको बस अपने जिस टाइम को आपको बताया होगा आपको उस टाइम पर आना है और अपनी बस में बैठ जाना है। सो दोस्तों ये है हमारा बस नंबर देखिए P39 1133, मैं इसकी आपको सीटें दिखा देता हूँ।
और ये एक एक सीट हमारे को 553 रुपये की पड़ी है, 553। ये देखिए सीट आपको कुछ ऐसी मिल जाती है, आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है इसके अंदर। और ये देखिए सीट कितनी चौड़ी है गाइस, बहुत चौड़ी सीटें हैं। और यार देखिए आप दो लोगों के लिए 2x2 का इसमें कॉम्बिनेशन है, ऊपर आप सामान रख सकते हैं थोड़ा बहुत अगर आपके पास हो। और पीछे से दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखिए दोस्तों पीछे का स्पेस ज़्यादा, दोस्तों ये देखिए पीछे बहुत ज़्यादा स्पेस है और फायर एक्सटिंग्विशर का रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए। ये देखिए ओवरऑल बस बहुत अच्छी है, ये नॉन एसी बस है दोस्तों, और देख लिया आपके सामने। अगर आप करवाना चाहें तो ये वाली बस बुक करवा सकते हैं, ये सामने ड्राइवर केबिन है हमारा। और ये सीट कुछ है जो ऑन द स्पॉट बुकिंग होती है वो उनको दी जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी हमारी बस, और यही हमको 1 बजे बोर्ड करनी है। ये देखिए ये सारी खड़ी हुई बस यहाँ पर। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, अगर आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ आपको ज़रूर करके लेके आनी है अपने घर से। सबसे पहले आपका है मेडिकल सर्टिफिकेट और यात्रा पर्ची, ये दोनों का अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपकी यात्रा नहीं होने देंगे, आपको यहाँ से वापस भेज देंगे। वो कैसे होंगे दोस्तों, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है, वो आपको मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, आप उस पर जाइए। और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है श्राइन बोर्ड ने, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उसने कुछ हॉस्पिटल चुन रखे हैं आपके एरिया में, जो उनसे हॉस्पिटल आते हैं उस हॉस्पिटल में जाइए और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट करवा लीजिए। ज़्यादा टाइम लगता है, 2 से 3 दिन लगते हैं। और रही बात यात्रा परमिट की, तो यात्रा परमिट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपके एरिया में कुछ श्राइन अमरनाथ श्राइन बोर्ड वालों ने कुछ बैंक चूज़ कर रखे हैं, तो जो जो आपके एरिया में बैंक आते हैं आप उन बैंक के अंदर जाइए और अपनी जो भी डेट मिलती है आप वो डेट ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपके पास नहीं होगी तो आपकी यात्रा नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर भी हो जाएगी बट यहाँ से आपको मेडिकल तो आपका हैंड टू हैंड हो जाएगा, बट आपका जो यात्रा पर्ची है वो कम से कम आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा। एक बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको सेम डे की डेट मिल जाए या अगले दिन की डेट मिल जाए। तो मेरे हिसाब से तो आप ये दोनों चीज़ें अपने घर से करके आइए, फिर भी अगर आपके साथ कोई जिसका प्लान किसी का अगर बन जाता है एट ए टाइम तो वो यहाँ पर आके ले सकता है, बट दोस्तों चांसेस कम होंगे कि सेम डे की आपको यात्रा पर्ची मिल जाएगी। मेडिकल तो हो जाएगा, ये दोनों चीज़ आपकी दोस्तों जम्मू में भी हो जाएगी और भगवती नगर में भी हो जाएगी, उसकी टेंशन ना ले, ये दोनों चीज़ वहाँ पर हो जाएगी। बट जो यात्रा पर्ची है, यात्रा पर्ची में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि वो आपको सेम डे की बहुत कम चांसेस होता है आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, इसके बगैर आपकी एंट्री नहीं होगी। दोस्तों यात्रा पर्ची के कुछ चार्जेस कटते हैं, जैसे मैंने ऑनलाइन करी थी तो मेरे एक परमिट पे 220 रुपये लगे थे, अगर आप बैंक से करवाते हैं तो आपके 120 रुपये लगेंगे। ये आप जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन कर ले क्योंकि आपको आपकी मनपसंद डेट मिल जाएगी। गाइस जैसे मैंने बताया कि यहाँ के हॉल एसी और नॉन एसी दोनों ही फुल हो चुके हैं, तो लोग यहाँ पर भी लेटे हो बाहर। अगर आपको यहाँ नहीं लेटना, आपको रूम चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों रूम के कुछ रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, देख लीजिए। ऑर्डिनरी रूम 650, एयर कूलर रूम्स 800 रुपये, एयर कूलर रूम्स 1000 रुपये, और एसी रूम 1200 रुपये, उससे जीएसटी अलग से है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इस पे बात करके इनसे रूम ले सकते हैं। मैं बताता हूँ इनकी इनके सिस्टम क्या है। इनका सिस्टम ये है कि भगवती नगर से 4 किलोमीटर आगे जाएंगे यहाँ से, तो वहाँ पर इनके ये होटल बना हुआ है जहाँ पर इनको एसी रूम और ऑर्डिनरी रूम, जहाँ सारे स्वीट एसी स्वीट है। तो दोस्तों इनकी पॉलिसी यह है कि आपको भगवती नगर से उस होटल तक लाना ले जाना इनका फ्री रहता है। जैसे आप जैसा अगर आपने होटल लिया है तो आप भगवती नगर से इनके होटल तक इनकी कैब में जाएंगे, और जैसे ही आपका अमरनाथ के जाने का टाइम हो जाएगा तो ये आपको अमरनाथ आपको वहाँ से बिठा के, होटल से बिठा के भगवती नगर ले आएंगे। पीछे ये नीचे नंबर लिखे हुए हैं, आप इनमें कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, और ऑन द स्पॉट आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर। ये देखिए सो दोस्तों ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, कल मैं आपको दिखाऊंगा भगवती नगर से पहलगाम की जर्नी, कहाँ कहाँ आपको लंगर मिलेंगे, कैसा रास्ता है और बस कैसी है हमारी। मैंने जैसे आपको बताया मैंने बस करी है 553 रुपये की, 553 रुपीज़ की मैंने बस करी है। कल देखेंगे कैसी बस है, वो आपको सीधा सुबह वो हमारे को मिलेगी यहाँ से 1 बजे, और उसके बाद फिर हम आपको पता नहीं वहाँ कितने बजे उतारेगी, शायद शाम को ही बता रहे हैं, वो हमारे को उतारेगी 6 या 7 बजे के आसपास। तो कल वाला ब्लॉग में आपको वो देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। टाटा, बाय बाय।